नाउ क्वेश्चन करें कि एक व्यापारी है, एक वस्तु को 425 रुपये में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। 15% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो 425 रुपये में बेचता है तो 15% की हानि होती है। 15% के फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है? 3/20 होता है 15% के फ्रैक्शन वैल्यू। अगर कोई 20 रुपये की वस्तु है तो उस व्यापारी उसको कितना बेच रहा है? 17 रुपये में बेच रहा है। कितने रुपये में बेच रहा है? 17 रुपये में। और 17 रुपये की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 425 दी गई है। तो एक इससे कितना गुना ज़्यादा है? कितना गुना है? तो ये आप बोलेंगे 17 × 2 = 34, दो ये 25 गुना ज़्यादा है। कितना है? 25 गुना ज़्यादा है। तो इसका जो क्रयमूल होगा वो भी 25 गुना ज़्यादा होगा। क्रयमूल भी कितना होगा? 25 गुना ज़्यादा होगा। तो कितने 25 × 50, 500। CP हमारा कितना है? 500 है। अब हमसे पूछ रहा है कि 5% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 5% के फ्रैक्शन वैल्यू होती क्या है? 5% के फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 1/20 यानी कि वस्तु की कोई 20 रुपये की है तो उसको हमको बेचना कितना में? 21 रुपये में बेचना है। और ये 21 20 के वैल्यू हमको कितना दिया गया? 500 दिया गया है। कितना गुना ज़्यादा है? कितना गुना है ये 20 का? ये बोलेंगे 25 गुना है। कितना है? 25 गुना। तो यहाँ से इसका जो क्रैम CP हो SP होगा वो भी 25 गुना ज़्यादा होगा। 25 × 25 के 5, 2 × 25 = 50, 2 = 52। 525 रुपये यहाँ से इसकी सेलिंग प्राइस होगी। ऑप्शन नंबर B जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।